दोस्तों डीए में चार प्रतिशत की वृद्धि यानी कि छियालीस प्रतिशत डी के साथ आपके वेतन में कितना वृद्धि होने वाला है आइए दोस्तों इस वीडियो में दिए गए टेबल के माध्यम से देखते हैं तो यहाँ स्क्रीन में देखिए दोस्तों ये जो पहला टेबल है ये सहायक शिक्षक के लिए है ये शिक्षक के लिए और ये व्याख्याता के लिए अब चलिए प्रत्येक टेबल के कॉलम को देखते हैं कि इसमें और क्या क्या दिया गया है तो पहला टेबल के पहला कॉलम में दिया गया है बेसिक और दूसरा है बयालीस प्रतिशत डी जैसे कि पिछला डी ए बढ़ रहा था और चार प्रतिशत डी बढ़ने के पश्चात यानी कि छियालीस प्रतिशत डी के साथ कितना डी ए बढ़ने वाला है ये टेबल है ये कॉलम है और कितना इंक्रीज होगा इसके लिए ये दिया गया है ये सभी टेबल में दिया गया है तो शायद शिक्षा के लिए सबसे पहले देखते हैं जैसे कि यदि आपका मूल वेतन छब्बीस है तो पिछले डीए के अनुसार कितना मिल रहा था दस और अब कितना मिलेगा बारह हज़ार छः रुपये कितना इंक्रीज होगा एक हज़ार चवालीस रुपये तो इसी प्रकार आप अपने मूल वेतन के अनुसार से कितना इंक्रीज होने वाला है और छियालीस प्रतिशत के साथ कितना बढ़ोतरी हो रहा है महंगाई भत्ता में ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसी प्रकार शिक्षक के लिए यदि आपका वेतन है जैसे कि मैं अपना देख लेता हूँ सैंतीस हज़ार छः सौ ये मान लीजिए मेरा मूल वेतन है और पिछला मिल रहा था पंद्रह हज़ार सात सौ बयानवे और छियालीस प्रतिशत डी के पश्चात हो जाएगा सत्रह हज़ार दो सौ और कितना बढ़ोतरी होगा पंद्रह सौ चार रुपये इसी प्रकार यदि आप एक व्याख्याता हैं और मान लीजिए आपका मूल वेतन है बयालीस हज़ार आठ सौ तो पिछला कितना मिल रहा था सत्रह हज़ार नौ सौ छिहत्तर और वर्तमान बढ़ने के पश्चात छियालीस प्रतिशत के साथ कितना हो जाएगा उन्नीस और बढ़ोतरी होगा सत्रह रुपए इस तरह आप भी अपने मूल वेतन के अनुसार से कितना राशि इंक्रीज़ हो रहा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं